Good morning, all of you. Today we are going to read chapter 2, components of food. अभी हम इस chapter में components of food के बारे में discuss करेंगे. इसके पहले जो हमने last chapter read किया था वो था हमारा sources of food. Food के कौन-कौन से sources होते हैं जो कि हमने अभी इस बात के ऊपर discuss भी की detail में कि जो sources of food थे वो हमारे plants थे, animals थे, है ना? तो sources क्या-क्या थे foods के? अब वो हमें plants से मिल तो गए हैं sources, हमने absorb भी कर लिए हैं, but अब हमें देखना है कि जो components of food है वो क्या है, ठीक है? तो हम इस chapters के कुछ points हैं, उनके ऊपर one by one पहले introductions लेते हैं, इसके बाद हम next class में detail में बात करेंगे, okay? So सबसे पहले start होता है importance of food. तो जो food की importance है वो क्या है? तो food importance आप देखेंगे इसमें कि हमें क्यों important है food. So food is a very essential for us. It does perform many important functions in our body. जो food है हमारी body के many functions को क्या करता है? Perform करने में help करता है. किसी भी platform पर आप work करते हो, अपनी energy को waste करते हो, आप कुछ भी hard work करते हो, जो आपको energy मिलती है वो आपको कहाँ से मिलती है? आप इतना अच्छा perform कैसे कर पाते हो? Food के through वो energy आपको food देता है. Clear? तो हम बात कर सकते हैं कि जो food के what we eat to nourish our body, we require various type of components in our food. हमारी body को nourishments के लिए बहुत सारे components of food की need होती है, या different different types की components of food की need होती है. Components of food एक type का नहीं होता, different different types के होते हैं components of foods. Like carbohydrates, for examples ले लेते हैं, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, है ना, etc etc. इसके बाद बात करते हैं हम components of food की. तो components of food क्या है? The food performs several functions in our body because of the presence of certain essential substance. जितने भी food के अंदर substance present होते हैं वो हमारी several body के लिए जो components of food हैं परफॉर्म करने में, एनर्जी देने में हेल्प करते हैं बॉडी की, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं बैलेंस डाइट की. बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट में जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उन्हें हमें बैलेंस करके लेना होता है. विदाउट बैलेंस ही अगर आप फूड कंपोनेंट्स करते हैं, फूड को लेते हैं, तो क्या होगा कि आप डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं, ठीक है? बैलेंस डाइट भी वेरी मस्ट. आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको विदाउट बैलेंस ही लेंगे. अगर कोई चीज आप मान के चलिए कंपोनेंट्स फूड में आती है कार्बोहाइड्रेट्स, तो मुझे सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजें ही खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, तो क्या होगा? आप चीज में अगर शरीर के अंदर उस चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट इनफ बैलेंस हो जाता है, तो आप देखेंगे कि डेफिशियंसी डिजीज हो जाता है, ठीक है? डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं? ये बहुत सारे अगर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स अगर आप परफेक्ट मात्रा में नहीं लेते हैं तो आप डेफिशिएंसी डिजीज. मिड डे मील्स में देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है? इसमें आपको जो डाइट दी जाती है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के तहत, सिर्फ उन्हीं चीजों को यूज किया जाता है जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, तो आपको एनर्जी गेन करते हैं, आपकी बॉडी को फ्यूल देते हैं, उनको मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत लिया जाता है, ओके? नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शंस. फूड जो क्लासिफिकेशन है फूड का, सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड. फूड हमें एनर्जी देते हैं भाई, एनर्जी तो दे रहा है फूड, लेकिन फूड के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी देता है? इट्स लाइक अ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये हमें एनर्जी गेन करते हैं. आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट है तो आप 2 या 4 डेज या 8 डेज तक विदाउट फूड या विदाउट किसी भी प्रकार की बैलेंस डाइट अगर नहीं भी लेते हैं तो जो आपके अंदर का फैट है वो आपकी बॉडी को एनर्जी गेन करता रहता है. इट्स अ फैक्ट ऑफ कंपोनेंट्स फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. क्लियर?
बॉडी को कौन सी बॉडी बिल्डिंग फोर्स बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, प्रोटीन्स, जो कि हमने देखा है ज्यादातर हमें कहां से मिलता है, जो आप दाल खाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, सो प्रोटीन्स प्रोटेक्टिव फूड्स आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मैनी सेल्स हैं, आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, आपका पर बॉडी का पार्ट एक सेल से प्रिपेयर है, सो प्रोटेक्टिव फूड्स, आपको ऐसा कौन सा फूड है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, सो इट्स लाइक अ मिनरल एंड विटामिन्स, कुछ विटामिन्स होते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन ई विटामिन के, ओके अंडरस्टूड। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इन सारे विटामिन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, देन जितने भी प्रोटीन्स हैं जो भी फूड हम अब्सॉर्ब करते हैं लेते हैं कंज्यूम करते हैं उन प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे कि वो प्रोटीन हमें किन किन डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में मिलता है, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वो भी हम देखते हैं कि वो हमें किन किन डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में मिलता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने देखा कि इस चैप्टर में मुझे सिर्फ चार बातें क्लियर करना है, हमें डिस्कस करना है इंपोर्टेंस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड मिड डे मील। बहुत सारे डिजीज होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपको विटामिन ए की कमी है विटामिन डी की कमी है, सो इट्स लाइक अ विटामिन जो प्रोटेक्टिव आपको फूड है विटामिन्स, ओके। तो इन सब कारण से हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं, आपने बोला होगा आपको ब्लड की कमी है आपको मिनरल्स की कमी है ना, डॉक्टर्स बोलते थे ना आपको विटामिन डी